अगर आपका बजट है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो नेपाल इज द बेस्ट, और अगर आप किसी कंसल्टेंट कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मेडिपीडिया इज द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज पूर्णिमा गुप्ता। आज मेरे साथ है सनी फ्रॉम झारखंड रांची, और इनको आज बहुत अमेजिंग कॉलेज अलॉट हुआ है, कुसुम। इनके 6 मार्क्स थे, बट ये कॉलेज इनकी सोच में भी नहीं था अलॉट करवाना, यहाँ तक कि इनको इस कॉलेज के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन लास्ट मिनट में हमने इनका कॉलेज चेंज करवाया जस्ट बिकॉज हम चाहते थे कि ये बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में जाएं। चलिए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी कैसी है। ये हमारे साथ बहुत महीनों से कनेक्टेड है और इन्होंने बहुत सारे डिसीजन चेंज किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया टू इंडिया टू नेपाल। तो इनसे जानते हैं कैसा इनका सपोर्ट सिस्टम और आज ये कैसा फील। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये कॉलेज मिला है, और ये कॉलेज सबको अलॉट नहीं होता है, बट मेरे रैंक अच्छे थे, काफी कंफ्यूज था। फर्स्ट मेरा जो डिसीजन था वो रशिया का था, देन आफ्टर मैंने चेंज किया, मैं काफी कंफ्यूज था। पहले मेरा रशिया था प्लान, बट फिर इंडिया, और एट लास्ट मैंने नेपाल को चूज किया क्योंकि मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए था, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अफोर्डेबल होना चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, ऐसा कॉलेज चाहिए था। रशिया में अफोर्डेबल प्राइस में कॉलेज तो मिल रहा था, लेकिन बट वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेलेबल नहीं था। इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था बट वहाँ पे एक्सपेंसिव था, नेपाल में ये चीज है अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, इसलिए मैंने नेपाल को चूज किया। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट मैंने मेडिपीडिया को इसलिए चूज किया क्योंकि स्पेशली पूर्णिमा मैम मुझे काउंसिलर की तरह नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर की तरह हेल्प किया मुझे इन्होंने। 2-3 महीने से मैंने काफी इनसे बात किया है। तो सनी, आपको कैसा लगा जो आपकी पूरी जर्नी की जो ये फ्लेक्सिबिलिटी रही, क्या आपको ऐसा कभी लगा कि हम आपको एक जगह रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? नहीं, काफी ट्रांसपेरेंट पूर्णिमा मैम ने मुझे हेल्प किया यहाँ पे, और कंसल्टेंसी काफी सारी है इंडिया में, बट आई वॉन्ट टू से दैट की ऐसी कंसल्टेंसी आपको कभी नहीं मिलेगी। आई वॉन्ट टू से बाई हार्ट दैट। तो इनकी जर्नी मैं आपको बताती हूँ, शायद ये काफी इस टाइम पे इमोशनल भी है। इनकी जर्नी पूरी ऐसी रही कि ये रशिया जाना चाहते थे क्योंकि इनका बजट इशू था, लेकिन इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे तो ये इंडिया चूज करना चाहते थे, लेकिन इंडिया में काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। फाइनल जो हमने इनको बोला कि आपको नेपाल चले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है। मतलब एक कंसल्टेंसी का सिर्फ यही रोल नहीं होता कि वो आपको बस कंसल्टेंसी ले और जो आप चाहते हैं वो डाल दें। हमने इनको काफ़ी अच्छे से ये बताया कि आपको एक राइट डिसीजन लेना चाहिए एज पर योर बजट, एज पर योर स्कोर, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बट आई एम ग्लैड कि इन लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और लास्ट मिनट पे इनको एक ऐसा कॉलेज दिलाया गया जो लिटरली इनके बजट के बहुत अंडर है और वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग कॉलेज है। थैंक यू सो मच सनी, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल करियर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी फैमिली को आपसे, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरिए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस।